विरोध प्रदर्शनों को पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह करार देते हुए नवाज शरीफ सरकार ने मंगलवार को जहां समर्थन जुटाने के लिए संसद का रुख किया, वहीं प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार करने वाले नवाज शरीफ पर दबाव बनाना जारी रखा। वर्तमान राजनीतिक संकट पर चर्चा करने और प्रधानमंत्री के लिए समर्थन जुटाने के मकसद से बुलाए गए संसद के आपातकालीन संयुक्त सत्र में शरीफ सरकार को बड़ी राहत मिली और लगभग सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री के पक्ष में अपनी राय व्यक्त की। सरकार की ओर से साफ कहा गया कि देश में जारी प्रदर्शन ना तो धरना है और ना ही राजनीतिक सभा, बल्कि ये पाकिस्तान के खिलाफ बगावत है। विरोधियों ने भी शरीफ सरकार को समर्थन का ऐलान किया। इमरान खान साहब थे, जुमा 8 दिन नहीं हुए जनाब स्पीकर, दावत दी थी वजीर आजम को जब मैं भी साथ था कि ये 2-3 महीनों में क्या फर्क आ गया, क्या तब्दीली आ गई कि उस तरफ आप इसी हुकूमत को हमायत के दावे कर रहे थे, वादे कर रहे थे और 3 महीनों के अंदर आपने 360 डिग्री का टर्न लिया, जो अपने आप को जमहूरियत का अलमबरदार कहते हैं, वेस्ट की जो जमहूरियत है उसका हवाला दे दे के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। माना जा रहा है कि संयुक्त सत्र में चर्चा के खत्म होने के बाद शरीफ का समर्थन करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा और उनसे आग्रह किया जाएगा कि वो ना तो इस्तीफा दें और ना ही छुट्टी पर जाएं, जैसा कि इमरान एवं कादरी मांग कर रहे हैं। उधर इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना ताहिरुल कादरी की पाकिस्तान अवामी तहरीक ने नवाज शरीफ के खिलाफ प्रदर्शन जारी रखा है। हालांकि इस्लामाबाद में कल की तुलना में आज शांति है और कहीं से किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है। राजधानी के रेड जोन में कुछ हजार प्रदर्शनकारी एकत्र जरूर हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ और पीएटी के धरने के खिलाफ कई मामलों की सुनवाई करते हुए सभी संसदीय पार्टियों के साथ पीएटी को नोटिस जारी करके संविधान के दायरे में वर्तमान राजनीतिक गतिरोध का हल निकालने को कहा। इस बीच सेना ने इन खबरों को खारिज कर दिया है कि वो विरोध प्रदर्शनों को समर्थन दे रही है। सेना भले ही पूरे मामले से पल्ला झाड़ रही हो, लेकिन हालात जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं उससे यही आशंका लग रही है कि पाकिस्तान एक बार फिर से सैनिक शासन की ओर जा रहा है। डीडी न्यूज़।